This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational purposes only. ये पूरा आपका IP address है, इसको आप अपने PC में connect करना चाहें तब भी कर सकते हो, या आप किसी और PC में इसको login करवाना चाहते हो आपके RDP को, तो simple आपने यहाँ से इसको copy करना है पूरे link को, अपने IP address को, वो आप अपने friend को भेज दें, वो भी अपने PC में इसको access कर सकते हैं, या फिर आप इसको अपने PC में easily access कर सकते हो। और यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है, आपने 24 hours को यहाँ पर select कर लेना है कि 24 hours से पहले यहाँ पर ये shutdown ना हो। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो कंट्री मिली हमें इस फ्री आरडीपी की वो है यूएसए की, मतलब के यूएसए बेस ये फ्री आरडीपी है, इसमें आपको यूएस की ही लोकेशन देखने को मिली है। और ये डिपेंड करेगा आप किस टाइम पर यूज कर रहे हो, उस टाइम के हिसाब से ये स्पीड ज्यादा भी हो सकती है। आप देखें यहाँ पर ये 1.2 जीबी की मुझे इंटरनेट स्पीड देखने को मिली है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैं आपको फ्री आरडीपी क्रिएट करना सिखाऊंगा वो एक बार क्रिएट करने पर लगातार 24 घंटे तक रनिंग में रहेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, बस आपने इस आरडीपी को एक बार क्रिएट करना है, ये लगातार कंटिन्यूसली 24 घंटे तक आप इसको यूज कर पाओगे। और इस फ्री आरडीपी को बनाने के लिए ना तो आपको किसी क्रेडिट कार्ड की जरूरत होगी और ना ही किसी डेबिट कार्ड की। और इस फ्री आरडीपी में आपको कंप्लीट एडमिन एक्सेस मिलती है, मतलब कि अगर आप इसको क्रिएट करने के बाद अपने पीसी में लॉगिन करना चाहें आप तब भी कर सकते हो, या आप उसका आईपी एड्रेस, यूजर नेम और पासवर्ड किसी और को सेंड करके उसके पीसी में भी उसको एक्सेस कर पाओगे। इंटरनेट की स्पीड आपको इंतहाई फास्ट मिलेगी इस फ्री आरडीपी में, और आप इस फ्री आरडीपी को काफी लॉन्ग टर्म तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर पाओगे। इस फ्री आरडीपी पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन वो काफी टाइम पहले बनाई थी। अब बहुत से भाई लोगों को वो फ्री आरडीपी बनाने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और बहुत सारे हमारे न्यू मेंबर भी ज्वाइन हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, तो पुरानों का भी फायदा हो जाएगा और न्यू वालों का भी फायदा हो जाएगा, इस मेथड को मैं रीन्यू कर रहा हूँ। एक बात मैं आपको अभी बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने आज की वीडियो स्किप कर करके देखी तो भाई ये आरडीपी आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ कमांड्स वगैरह होती हैं, वो ठीक टाइम पर ठीक जगह पर पेस्ट करनी होती है, तभी आप ये फ्री आरडीपी बना पाते हो। तो वीडियो के स्टार्ट में मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि आपने आज की वीडियो विदाउट स्किप किए देखनी है। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो आपने आज की इस वीडियो को जरूर लाइक करना है, और हमारे पैसे कमाओ चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना कोई सा ब्राउजर ओपन करना है। याद रहे उस ब्राउजर में आपका जीमेल का अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। उसके बाद आपने सिंपल गूगल में आकर सर्च करना है डीप नोट। यहाँ पर ये मुझे मिल चुका है, यहाँ पर सिंपल इसको मैं सर्च कर लूंगा और यहाँ पर ये आपको फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा वेबसाइट का, आपने सिंपल गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है जब आप फर्स्ट टाइम इसको साइन अप करते हो तो यहाँ पर आपको 14 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप गूगल के थ्रू करते हो तब भी आपको यहाँ पर 14 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा, अगर आप गिटहब के थ्रू करोगे तब भी आपको फ्री ट्रायल मिलेगा, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू करोगे तब भी आपको यहाँ पर फ्री ट्रायल देखने को मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल करूंगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट बनाया हुआ है। तो जैसे आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल करोगे तो यहाँ से आपके सामने आपका ईमेल शो होगा, आपने सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जस्ट आपने 2-3 क्लिक करने हैं, बल्कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी अकाउंट क्रिएट करते वक्त। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मैंने अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल करोगे ना तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके सामने आपका जो ईमेल होगा वो शो कर दिया जाएगा, आपने उस पर सिंपल एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने कुछ यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने पर्सनल वाले को चूज करना है, सिंपल इस पर एक बार क्लिक करके आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ऊपर आपका यहाँ पर यूजर वगैरह आ जाएगा, आपका जो अकाउंट नेम होगा वो आपके ईमेल पर रख दिया जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर मार्केटिंग को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने बिगिनर को सिलेक्ट करके आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है, आई एम अलोन, वर्किंग अलोन। उसके बाद आपने अदर को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर बैक डेमो अकाउंट नहीं करना, आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने वर्क स्पेस का नेम दे देना है, आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पर रैंडमली आप कुछ भी टाइप कर दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आपने अदर को सिलेक्ट करके आपने कंटिन्यू
ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, कुछ टाइम आपने यहाँ पर वेट करना है। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा न्यू प्रोजेक्ट का, आपने सिंपल एक बार इस पर क्लिक कर देना है। ये आपको ले आएगा आपके जो टर्मिनल वाला ऑप्शन है वहां पर। अब देखें यहाँ पर आपको स्टॉप मशीन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखें आप, मैं नीचे की तरफ करता हूँ। यहाँ पर यहाँ देखें, यहाँ पर ऑलरेडी एक मशीन चल रही है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले तो स्टॉप कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये स्टॉप हो रही है। देखें कुछ इस तरह आपको ऑप्शन शो हो जाएगा। अब यहाँ से मैं वीडियो को बंद कर देता हूँ, बाकी मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ वेबसाइट पे जाकर। ठीक है, यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने देखें वही वाला मुझे इंटरफेस देखने को मिल गया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से हम सिंपल न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट में आने के बाद देखें यहाँ पर ये मेरी मशीन चल रही है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर स्टॉप मशीन करूंगा। तो आप भी जब फर्स्ट टाइम आओगे तो आपने भी सेम स्टेप ही फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ। तो जैसे आपकी यहाँ पर मशीन स्टॉप हो जाए, अब आपने क्या करना है, अगेन इसको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, जैसे आप इसको स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ पर स्टॉप मशीन का ऑप्शन आएगा। इसके साथ आपको कुछ डॉट देखने को मिल रहे हैं, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑटो शट डाउन का ऑप्शन मिलेगा आपको। उसके साथ आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है, आपने 24 आवर्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि 24 आवर्स से पहले यहाँ पर ये शट डाउन ना हो। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर देखिए आपको टर्मिनल का ऑप्शन मिलेगा। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से इसको पकड़ के मैं नीचे ले आता हूँ। यहाँ पर आपको ये टर्मिनल का ऑप्शन मिला, उसके साथ आपको ये एड न्यू टर्मिनल का ऑप्शन मिला। आपने सिंपल एक बार इस पर क्लिक कर देना है और चंद सेकंड आपने वेट करना है। कुछ इस तरह का आपके सामने टर्मिनल ओपन हो जाएगा तकरीबन 10 से 12 सेकंड के बाद। अब यहाँ पर आपने कुछ कमांड्स ऐड करनी है। ठीक है, अब वो कमांड आपको मिल जाएंगी इस नोट पैड के फॉर्म में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको फर्स्ट कमांड मिल रही है, आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है, यहाँ पर आपने इसको सिंपल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने माउस की मदद से इसको यहाँ लाकर पेस्ट करना है और कीबोर्ड पर आपने एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट कमांड है वो इजीली पेस्ट होकर यहाँ पर वर्किंग स्टार्ट कर देगी। तो चंद सेकंड आपने वेट करना है। देखें जैसे ये ग्रीन कलर का लिखा आ जाए तो मतलब आपकी जो फर्स्ट कमांड है वो कम्प्लीट हो चुकी है। अब आपने अगेन नोट पैड में जाना है और यहाँ से आपने सेकंड कमांड को कॉपी करना है। ध्यान रहे कोई भी वर्ड यहाँ पर गलत कॉपी नहीं होना चाहिए और एक्स्ट्रा भी कुछ भी कॉपी ना हो। तो यहाँ पर आपने सेकंड कमांड को पेस्ट करना है और सिंपल आपने एंटर पर क्लिक कर देना है। चंद ही सेकंड के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक बार माउस से क्लिक करना है और आपने यहाँ पर वाई टाइप करना है सिंपल और आपने एंटर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ये क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ प्रोसेसिंग होगी और ये वाली कमांड भी आपकी कम्प्लीट हो जाएगी। अब यहीं से आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो RDP है वो यहाँ पर बनेगी या नहीं। आपने क्या करना है, ये आपकी जो सेकंड कमांड थी इसका ये जो वर्ड है ना लास्ट वाला न्यू फेच, आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपल आपने यहाँ लाकर पेस्ट करना है और आपने एंटर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि आपकी RDP बनेगी या नहीं। अगर इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाए तो समझ ले आपकी RDP जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर बनेगी। और यहीं पर आपको ये सारी डिटेल आपके सिस्टम की बताई जा रही है कि आपकी जो RDP होगी उसमें क्या स्पेसिफिकेशन होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो तो आपको यहाँ पर 32 GB की रैम मिलेगी और यहाँ पर आपको बाकी स्टोरी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और जो सिस्टम है वो यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है कि लिनक्स बेस है। बाकी डिटेल आपके सामने शो हो रही है, मतलब कि हमारी जो RDP है वो यहाँ पर सक्सेसफुली बन रही है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है अपने नोट पैड में और नोट पैड में आने के बाद आपने ये पूरी जो लाइन है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने से पहले इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, उसको आपने कट करना है। जैसे कि ये स्लैश के साथ है, आपने इसको खत्म करना है। फिर थोड़ा सा आपने आगे की तरफ को आना है या आपको ये कॉम से पहले यहाँ पर आपने इसको खत्म करना है। फिर आपने क्या करना है, पूरी लाइन को आपने कॉपी कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने लाइन को कॉपी कर लिया, सिंपल यहाँ पर लाकर मैं उसको पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद सिंपल हम एंटर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपने सिंपल यहाँ पर वन टाइप करना है और एंटर पर अगेन क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट वेट करना है, यहाँ पर आपकी जो प्रोसेसिंग है वो होगी। तकरीबन यहाँ पर आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे आपके सर्वर क्रिएट होने में, तो आपने परेशान नहीं होना, तो आपने जस्ट वेट करना है। जितना ये प्रोसेसिंग हो रही है इतना आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लो। अगर आप मजीद फ्री RDP के मेथड देखना चाहते हो तो आप सिंपल YouTube में जाकर पैसे कमाओ चैनल सर्च करो। यहाँ पर आपको बे इंतहा किस्म के वर्किंग मेथड मिलेंगे फ्री RDPs के। अब जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको GitHub की फ्री RDP क्रिएट करना सिखाई है, जिसमें आपको लेटेस्ट विंडो 11 मिलती है और ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाली फ्री RDP है। आप अपनी मर्जी से इस फ्री RDP में कोई सा भी सॉफ्टवेयर वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप हमारे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा, आपको काफी फायदा होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो अभी भी प्रोसेसिंग चल रही है, तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे।
ऑलराइट, यहाँ पर हमारी जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो टाइम 3 मिनट पे मैंने स्टार्ट किया था, 21 मिनट हो चुके हैं, मतलब के 18-19 मिनट यहाँ पर इसने लिए। फर्स्ट टाइम तो इतना नहीं लिया था, ये सेकंड टाइम लिया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। बहरहाल हमारी यहाँ पर जो प्रोसेसिंग है वो कम्प्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपसे पोर्ट नंबर मांग रहे हैं, अब पोर्ट नंबर के लिए भी आपने नोट पैड में जाना है। यहाँ पर आपको ये पोर्ट मिल जाएगी, आपने सिंपल यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है नंबर्स को, और यहाँ लाकर आपने उसको सिंपल पेस्ट कर देना है। आप इसको मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। उसके बाद आपने सिंपल एंटर पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारी पोर्ट नंबर भी लग चुका है। अगेन आपने जाना है नोट पैड में और यहाँ से आपने थर्ड कमांड को कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ लाकर मैं उसको पेस्ट करूंगा और एंटर पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर चंद सेकंड हम मजीद वेट करेंगे। ऑलराइट, हमारी ये वाली कमांड भी कंप्लीट हो चुकी है। अगेन हम नोट पैड में जाएंगे और यहाँ से हम फोर्थ कमांड को कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ लाकर हम सिंपल इसको पेस्ट करेंगे और एंटर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपने बड़ी ध्यान से वीडियो को देखना है। अब वो हमें कह रहा है यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब सिंपल मैं अपने कीबोर्ड पर टाइप करूंगा R00T। ठीक है, अब मैंने अपने कीबोर्ड पर टाइप कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कुछ भी टाइप नहीं हुआ। तो आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पर ये इनविजिबल शो होता है, आपने जस्ट टाइप कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एंटर पर क्लिक करना है। जैसे आप एंटर पर क्लिक करोगे ये कहेगा रीटाइप न्यू पासवर्ड। अब यहाँ पर आपने वही वाला पासवर्ड टाइप करना है, ऊपर भी और नीचे भी, जो आपको याद रहे। तो आसान पासवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, आप रूट लिख लो, यही आपका यूजर नेम होगा और यही आपका पासवर्ड होगा। ऊपर भी मैंने रूट R00T टाइप किया था, नीचे भी मैं क्या करूंगा वही टाइप करूंगा R00T। अब मैंने टाइप कर दिया, यहाँ भी आपको ये शो नहीं होगा, बस आपने अपने कीबोर्ड पर टाइप कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है कि आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अगेन अब नोट पैड में जाना है और ये आपकी जो फिफ्थ कमांड है आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ लाकर आपने सिंपल इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने एंटर पर क्लिक करना है, आपका यहाँ पर जो टर्मिनल है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके नोट पैड का काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने गूगल में जाना है। गूगल में जाकर आपने सर्च करना है pingy.io। ठीक है, ये आपको नजर भी आ रहा है PINGGY, आपने इसको सर्च करना है। यहाँ पर आपको ये फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिलेगी, आपने सिंपल इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको। इस वेबसाइट का आपने कुछ भी टच नहीं करना, आपने सिंपल एडवांस सेटिंग पर आना है। उसके बाद आपने आ जाना है TCP। ठीक है, यहाँ ऊपर आपको ऑप्शन मिल रहा है TCP, आपने इस पर आना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर पोर्ट नंबर चेंज करना है। पोर्ट नंबर आपने यही वाला लिखना है जो आपके नोट पैड में आपको मिला था, 3389। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको टाइप कर लेता हूँ 3389। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको टाइप कर लिया है। उसके बाद आपने रीजन को सिलेक्ट करना है, आपने इस पर क्लिक करके एशिया को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये पूरी लाइन को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल अपने टर्मिनल में आना है। टर्मिनल में आने के बाद इसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है और सिंपल आपने एंटर पर क्लिक कर देना है। विद इन सेकंड आपको यहाँ पर आपका यूजर नेम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख भी पा रहे हो, ये पूरा आपको आपका यूजर नेम मिल चुका है। सॉरी, ये यूजर नेम नहीं है, ये आपका IP एड्रेस है। ये पूरा आपका IP एड्रेस है, इसको आप अपने PC में कनेक्ट करना चाहें तब भी कर सकते हो, या आप किसी और PC में इसको लॉगिन करवाना चाहते हो आपके RDP को, तो सिंपल आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है पूरे लिंक को, अपने IP एड्रेस को, वो आप अपने फ्रेंड को भेज दें, वो भी अपने PC में इसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप इसको अपने PC में इजीली एक्सेस कर सकते हो। कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपने इस IP एड्रेस को यहाँ से कॉपी करना है /, से आगे से। ठीक है, याद रहे ये /, कॉपी नहीं होना चाहिए वरना आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। /, से आगे जितना भी आपको यहाँ पर ये लाइन मिल रही है आपने इसको कॉपी कर लेना है, ये आपका IP एड्रेस है। उसके बाद आपने सिंपल अपने PC में जाकर सर्च करना है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। यहाँ से मैं इसको जो आपने कॉपी किया था वो यहाँ पर लाकर आपने पेस्ट करना है और सिंपल आपने कनेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको चेक कर लेना है। अगेन आपने कनेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों के सामने देखे ये वाला ऑप्शन आ चुका है। अगेन यहाँ पर मैं इसको बॉक्स को चेक करूंगा और यस पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर ये हमसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो चंद सेकंड वेट करते हैं। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा तकरीबन 5 से 10 सेकंड के बाद। अब यहाँ पर आपने यूजर नेम लिखना है और नीचे आपने पासवर्ड लिखना है। अब आपको याद होगा मैंने उस टाइम R00T रूट पासवर्ड और यूजर नेम रखा था और यही हमारा पासवर्ड था। ठीक है, वहाँ पर हमने जस्ट पासवर्ड ही क्रिएट किया था, वही वाला हमारा यूजर नेम होगा और वही वाला हमारा पासवर्ड होगा। तो यहाँ पर मेरे से गलत हो गया, यूजर नेम R00T था, तो नीचे भी मैं यही वाला रीटाइप करूंगा R00T। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड हमारा सेम ही था, तो सिंपल मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा,
करूंगा, ओके पर क्लिक करूंगा। अब आपके सामने हमारी जो RDP है वो लॉगिन हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो हमारी जो RDP है वो सक्सेसफुली आपके सामने लॉगिन हो चुकी है। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिस्टम आपको पहले दिखा दिया गया था कि ये डेमन लिनक्स की RDP है, तो यहाँ पर आपके सामने ये नजर भी आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल मैनेजर में जाते हैं और आपको दिखा देता हूँ कितनी स्टोरेज मिली है। यहाँ पर आप लोगों के सामने जो आपकी स्टोरेज है वो शो हो रही है। ऑलमोस्ट 65 GB की आपको यहाँ पर स्टोरेज देखने को मिलती है, जो कि इनफ है आपका सारा डाटा यहाँ पर इजीली स्टोर हो जाएगा। अब इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपने कॉर्नर में आना है। यहाँ पर आकर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये इंटरनेट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आकर आपको फायरफॉक्स का ब्राउजर प्री इंस्टॉल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपने सिंपल एक बार इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जो फायरफॉक्स का ब्राउजर है वो ओपन हो चुका है। सिंपल मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ इसको और ये पीछे वाले टैब को बंद कर दूंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम सर्च करेंगे My IP address location, तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया। अब सिंपल हम इसको सर्च करेंगे और यहाँ पर हमें ये फर्स्ट वेबसाइट ही देखने को मिल जाएगी। इसको हम क्या करते हैं, न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इस फ्री RDP में हमें कौन सी लोकेशन देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो कंट्री मिली हमें इस फ्री RDP की वो है USA की, मतलब के USA बेस ये फ्री RDP है, जिसमें आपको US की ही लोकेशन देखने को मिली है। रीजन जो है वो वर्जीनिया है और जो कंट्री है वो यहाँ पर आपके सामने नजर आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो यहाँ से मैं इस टैब को बंद कर देता हूँ। अब आपको इंटरनेट स्पीड चेक करवा देता हूँ इस फ्री RDP की। तो यहाँ पर हम जाकर सर्च कर लेंगे स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पर मैंने स्पीड टेस्ट सर्च कर लिया है, तो ये ओकला वाली वेबसाइट को ही मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, सिंपल गो पर क्लिक करेंगे और देखते हैं हमें इस फ्री RDP में कितना फास्ट इंटरनेट देखने को मिला है। तो सिंपल मैं गो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम सिंपल इसको अलाउ कर देते हैं। इंटरनेट के हवाले से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना तो मुझे पता है। ये देखें तकरीबन 1 GB की इंटरनेट स्पीड आपको देखने को मिल रही है और ये डिपेंड करेगा आप किस टाइम पर यूज कर रहे हो, उस टाइम के हिसाब से ये स्पीड ज्यादा भी हो सकती है। आप देखें यहाँ पर ये 1.2 GB की मुझे इंटरनेट स्पीड देखने को मिली है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट है। तो यहाँ से मैं इसको बंद कर दूंगा, जो हमने देखना था वो हमने देख लिया। अब मैं यहाँ से अपने ब्राउजर को भी बंद कर देता हूँ। आपके सामने आपकी RDP जो है वो रेडी टू यूज है। अब आप अपना कोई सा भी टास्क इस फ्री RDP में इजीली कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है योर टनल विल एक्सपायर इन 60 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो RDP है, ये वाला जो आपका IP एड्रेस है वो 60 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, जब ये आपका एक्सपायर हो जाए और आपकी RDP बंद हो जाए, आपने अगेन यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने अगेन इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ लाकर पेस्ट करना है और आपने एंटर पर क्लिक करना है। आपको न्यू यहाँ पर IP एड्रेस वगैरह देखने को मिल जाएगा और आपकी जो RDP है वो अगेन स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह आप काफी लॉन्ग टाइम तक अपनी RDP को इजीली फ्री में यूज कर पाओगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग YouTube या Google में सर्च कर रहे थे हाउ टू क्रिएट फ्री RDP इन 2025 या आप सर्च कर रहे थे गेट फ्री RDP या गेट फ्री VPS, तो उम्मीद करता हूँ आज के बाद आपको ये सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज की वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों ने हमारे पैसे कमाओ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने को मिलता रहे। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में न्यू मेथड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।